This is Travel Guide of Pakistan. Barren mountains have a life of their own. जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये संगलाख रेत और पत्थर के पहाड़, इनकी इनमें एक अपनी जिंदगी है। पानी निकल रहा है इनमें से और चश्मों का ठंडा पानी ऊपर ग्लेशियर से पिघलते हुए आ रहा है। आप आए अगर इस ट्रिप पर तो अपने साथ एक कूलर जरूर लाइएगा। पानी यहाँ का ठीक ही है, वैसे अगर आप लोगों का स्टमक ज़्यादा सेंसिटिव हो तो मिनरल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का ठंडा पानी मुझे तो अभी तक बहुत पसंद आया। इस ब्रिज पर से गुजरते हुए एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। नीचे बल खाता हुआ दरिया है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है कोरख, जहां हम कुछ देर आराम के लिए रुकेंगे और कुछ खाएं पिएंगे। Okay, हम लोग इस वक्त शिंदूर के रास्ते में हैं और एक कोरख नामी जगह पर रुके हैं खाना खाने के लिए। और कॉल इट फेट और चांस, we bumped into a very special guest who's bicycled his way from England. So aaiye unse kuch baatein karte hain. With me is Paul. So I believe you've bicycled from England. How long did it take you? Well, it's taken about 3 months, yeah. We've been on the bikes most of the way there, yeah. 3 months. And so tell me, how many countries did you travel? Well, we've been through, started off in Belgium, then through Germany and the Czech Republic, and then into Austria, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, then down through Iran, and then finally up through Pakistan. And tell me, how did you find Pakistan and the people here in the northern areas? Well, this is the area I was particularly looking forward to on the trip. The Himalayas and the Karakoram and the Hindu Kush was something that I always wanted to visit since I was a little boy, and found out about K2 and all the other big mountains around here. So it's been quite inspirational, yeah. So is there a group of you all together doing this? Yeah, there's actually three of us, but I've managed to eat something that's disagreed with me at the minute, so I'm taking a jeep up to the Shandor Pass with these guys to watch the polo, and my friends are struggling along on the bikes, so they'll hopefully join me tomorrow. Thank you very much. It's been a pleasure having you, and I wish you all the best in your journey. ये थे पॉल, जो कि शिंदूर तक जा रहे हैं, और खुद चूंकि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो ये गाड़ी में अब शिंदूर तक जाएंगे, जबकि इनके दोस्त पीछे साइकिलों पे आ रहे हैं जो कि शिंदूर तक साइकिलों पर जाएंगे। मेरा ख्याल हमारा खाना तैयार हो गया, लेट्स गो एंड ईट। दिस इज ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, हम लोग कोरख से निकल चुके हैं और एक घंटा तकरीबन हो चुका है। बोनी तक तो सड़क पक्की थी और काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद अब वही पथरीली और रेतीली सी सड़क है जो कि हमें लवारी टॉप के इर्द गिर्द मिली थी। खैर, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं, और ख़ासतौर पे अब जबकि मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो चुकी है, पॉल, जिससे आप भी मिले, जो कि मैनचेस्टर से साइकिल पर पाकिस्तान तक आए, यानी मैनचेस्टर इंग्लैंड, और ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की जैसी इलाकों से होता हुआ साइकिल पर वो यहाँ पहुँचा, और उसके दो दोस्त शिंदूर साइकिलों पर जा रहे हैं। देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहां तक लेकर जाता है। साथ साथ दरिया भी बह रहा है, ये है दरियाए मस्तूज। शिंदूर के रास्ते में इस तरह के कई नखलिस्तान आते हैं, और इनके गिर्द ऊंची ऊंची बर्फपोश चोटियां हैं, और बर्फ पे जब धूप चमकती है ना तो आपकी आंख उस पर ज्यादा देर नहीं ठहर सकती।
संगलाख पहाड़ों के दामन में बहते हुए दरिया हैं और सरसब्ज वादियां। इस सब्जे के दरमियान पकी हुई गंदम के खेतों का यह पीला रंग एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाता है। ये ग्रीन और येलो का इंतजाज कितना अच्छा लग रहा है। It's getting hot. सूरज की तमाजत बढ़ने लगी है। मेरा ख्याल अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। ये गाड़ी हमने धोने के लिए यहाँ खड़ी नहीं की, बल्कि हमारी गाड़ी इस तुंदो तेज नाले में फंस गई है। ये हमारी इग्नोरेंस थी, लाइलमी थी कि ये नाला क्रॉस करने में हमसे इतनी देर हो गई, क्योंकि इस नाले पर कोई पुल नहीं है और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से शाम को पानी काफी तेज हो जाता है और गाड़ियों को यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, सबने बहुत मदद की और अपना काम छोड़ छाड़ कर हमारे साथ लग गए। अब देखें, उनकी वजह से कुछ गाड़ी निकली तो है और शायद ये अब क्रॉस भी कर लेगी। दैट्स गुड, निकल आई। हमारे ड्राइवर तो पूरी कोशिश करें और ये फंस गई। फिर मेरे ख्याल में पानी भी तेज़ हो रहा है और शाम भी ढलती जा रही है और अंधेरे से पहले हमारा शिंदूर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़कों पर कोई लाइट भी नहीं होती इस इलाके में। एक दफा फिर सब मेरे ख्याल जोर लगाएंगे, मैं भी शामिल हो गया हूँ। लेट्स ट्राई अगेन। 1, 2, 3। रास्ते में पत्थर बहुत है और मेरे ख्याल में टायर भी बस्ट हो गया और लोग भी इंतजार में हैं। नाले का पानी है कि ऊपर होता ही जा रहा है। अगर आप लोग भी शिंदूर आए तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि चित्राल से आप लोग जल्दी निकलें और हर सूरत में ये नाले जो हैं 4 बजे से पहले क्रॉस करें। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग शिंदूर में हैं, जो कि हिंदुकुश और कराकरम माउंटेन रेंजेस के बीच में है और जहां पर एक बहुत ही मशहूर पोलो फेस्टिवल होता है हर साल। और ये पहली दफा 1936 में हुआ था, उसके बाद 1989 से ये हर साल यहाँ हो रहा है। हम लोग रात को यहाँ पहुँचे कोई तकरीबन 12 घंटे की जर्नी के बाद, क्योंकि हम लोग फंस गए थे, हमारी जीप जैसा कि आपने देखा होगा। अब हम लोग पोलो मैच देखेंगे, फाइनल है गिलगित और चित्राल की टॉप की टीमों के दरमियान, और यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। दूर एक पहाड़ी पर कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं, रक्स कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए खुशियां मना रहे हैं। शिंदूर पास, जी हाँ, यह है वो जगह जो पोलो के खेल की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। इस वक्त यहां हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के टेंट नजर आ रहे हैं। इस जगह की हाइट है 3,734 मीटर, यानी तकरीबन 12,500 फीट, 12,500 फीट अबव सी लेवल। यहां बहुत गहमा गहमी है, हर शख्स यहां इतनी दूर पोलो का फाइनल देखने आया हुआ है। पोलो के बारे में कहा जाता है कि ये बादशाहों का खेल है, गेम ऑफ द किंग्स। और ये भी कहा जाता है कि इनिशियली बादशाह अपने ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए ये गेम खिलाते थे और उसमें तकरीबन 100-100 प्लेयर्स होते थे और एक तरह से एक जंग सी हो रही होती थी खेल के मैदान में। इस वक्त हमारे साथ इसी गेम के एक कोच हैं, महबूब आलम साहब, आए उनसे कुछ बातें करते हैं। वालेकुम सलाम जनाब। तो महबूब आलम साहब, इस खेल के बारे में हमें बताइए, इसके रूल्स के बारे में बताइए, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। जनाब वाला, ये खेल ऐसा खेल है, ये बहुत पुराना खेल है हमारा, लेकिन कुछ फ़र्क होता है इसमें से मेरा और गिलगित के दरमियान। मेरा अलहदा रूल्स है, उनका अलहदा रूल्स है। गिलगित के रूल्स डिफरेंट है, इसलिए जब हम इधर आते हैं कोई ऐसा रूल होता है कि वो अपना जो दस्तूर है उसको छोड़ते हैं, जो हमारा होता है मैं उसको छोड़ता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं किस कर के बराबर करके हम यहाँ खेलते हैं। अच्छा अच्छा, कॉम्प्रोमाइज करके, यानी दोनों टीम दोनों आपस में बैठ कर फैसला करके हम खेलते हैं। ये इस बाकी सारे दुनिया में डिसिप्लिन के साथ वो होता है, खेल होता है, ये फ्री स्टाइल है। अच्छा अच्छा, जैसा नीचे ऐसा है कि 7-7 मिनट में घोड़ा तब्दील होता है। जी जी। हमारा 25 मिनट घोड़ा तब्दील नहीं होगा। घोड़ा तब्दील नहीं होगा, नहीं होगा। एक अच्छे पोलो प्लेयर के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है?
जो कुछ अच्छा होता है वो खेल सकते हैं, मगर सबसे पहले जरूरी बात यह है कि घोड़ा अच्छा होना चाहिए। घोड़ा अच्छा, घोड़ा। कितने प्लेयर्स होते हैं आपके गेम में? हमारे क्षेत्राल में पहले 5-5 था, लेकिन गिलगित का पुराने से 6-6, हम में अभी भी 6-6 खिलाड़ी हमारा खेलते हैं। 6-6 खिलाड़ी दोनों साइड्स में होते हैं। मैच अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन बच्चे बड़े सब इस वक्त पोलो के ग्राउंड की तरफ रवाना हुए हैं। कुछ फॉरेनर्स भी आए हैं ये फाइनल देखने के लिए और नाश्ते में मसरूफ हैं। ये मैदान सिर्फ 4 और 5 दिन के लिए आबाद होता है, फिर सारा साल सिर्फ सन्नाटा होता है। दिस इज ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ इस फेस्टिवल के एक टूर ऑपरेटर ऑर्गेनाइजर हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। सैयद हरीर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताइए कि ये फेस्टिवल कितने दिन चलता है? जी ये 3 दिन के लिए होता है। तो ये 3 दिन के लिए शिंदूर आबाद होता है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? जी एक्चुअली तो उसके बाद तो वैसे ही है, इसमें ग्रेसिंग एरिया है, ये सिर्फ तकरीबन 3 ही दिन के लिए आबाद होता है, उसके बाद सारा ग्रेसिंग एरिया है। ग्रेसिंग एरिया यानी कि मवेशी यहाँ पे आके चरते हैं। जी एक्जेक्टली। अच्छा यहाँ जो इतने सारे टेंट्स नजर आ रहे हैं, इनमें क्या क्या है? इन सारे टेंट्स में जी 2 किस्म के हैं, एक तो रेजिडेंशियल टेंट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, और दूसरा वो कमर्शियल टेंट्स हैं, लोग आके अपना कारोबार करते हैं, शॉपिंग प्लेस है, यहाँ पे होटल्स हैं और दुकानें वगैरह लगाते हैं 3-4 दिन के लिए। तरमा ये 1 हफ्ते पहले से आबाद होते हैं शॉप्स वगैरह, यहाँ पे 10 दिन पहले आ जाते हैं लोग। अच्छा यहाँ पे जो लोग पहली दफा आ रहे हो, आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे, उनको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर? जी एक्चुअली तो कहते हैं शिंदूर इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये तरमा 12,500 फीट हाइट के ऊपर है, और यहाँ पे जाहिर है किसी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, जैसे सांस का कोई प्रॉब्लम हो तो उन लोगों को जरा अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज तो ये सबके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ 2 चीज़ों को ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, एंड सन स्ट्रॉकिंग एंड और नाइट इन द, बहुत सर्दी होती है और दिन को सन स्ट्रॉकिंग का होता है, तो वो क्रीम्स वगैरह लगा के आएँ, और सबसे बड़ी बात अपने साथ गर्म कपड़े ले आएँ, वो बहुत सबसे ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि जो यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं वो टूर्स जो वो करना चाह रहे हैं वो ऑर्गेनाइज वे में करें, अदरवाइज वो चल के अगर खुद आ जाएंगे उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आए ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करें और ऑर्गेनाइज वे में यहाँ आ जाएं। तो आपने सुना, रात को हम लोगों को भी बहुत सर्दी लगी, तो आइए अब हम चलते हैं पोलो मैच देखने, लेट्स गो। पोलो का फाइनल मैच शुरू हो चुका है चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान। नीली जर्सी में गिलगित की टीम है और चित्राल रेड जर्सी पहने हुए है। पोलो के खेल में हर टीम में 6-6 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमें गोल करने के लिए खूब जोर लगा रही हैं। और ये गोल, जी हां, गिलगित की टीम ने गोल कर दिया। ये जो घोड़े आप देख रहे हैं जो कि पोलो के गेम में इस्तेमाल होते हैं, खास तौर पर ट्रेन किए जाते हैं, ये मामूली घोड़े नहीं होते, और जो इनकी स्टिक होती है ये टी शेप्ड होती है, और जो गेंद होता है वो सफेद रंग का होता है। आपने अभी स्कोर देखा, गिलगित की टीम 2-1 से हार रही है। गुड शॉट, और ये लगता है कि गोल होने वाला है। गेंद बाहर चली गई, और अब ये एक और हमला, लेकिन बचा लिया। पोलो के रूल्स जो होते हैं दूसरी फील्ड गेम से जरा मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि फुटबॉल हॉकी वगैरह से। जब एक टीम एक तरफ गोल करती है तो वो अगला गोल दूसरे गोल पोस्ट पे करती है, इस तरह गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। 25-25 मिनट के 2 हाफ होते हैं इस गेम में, और इंटरवल के दौरान मुकामी फनकार रक्स और मौसीकी का मुजाहरा करते हैं। अच्छा मौसीकी इस गेम में एक बहुत अहम हिस्सा रखती है, बड़ा म्यूजिकल किस्म का गेम है, क्योंकि म्यूजिशियंस जो हैं गेम के साथ साथ अपने साज बजाते जाते हैं, और जैसे जैसे गेम तेज होती है उनकी बीट भी तेज होती चली जाती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते मैं कितना एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। पोलो के मैचेस टीवी पर कई दफा देखे, मगर यहाँ लाइव मैच की एक्साइटमेंट ही कुछ और है। तमाशाइयों का जोश और जज्बा, और खासतौर पर
इन ऊंचे ऊंचे बर्फपोश पहाड़ों के बीच और शंदूर झील के बैकड्रॉप में ये मैच देखना, इट्स रियली स्पेक्टेकुलर। हाँ, ये खेल तमाशाइयों के लिए भी कितना एडवेंचरस है, देख ली। यू हैव टू बी ऑन द लुकआउट एंड बी अलर्ट ऑल द टाइम। अब आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, रक्स और मौसीकी की महफिल गर्म है। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और गिलगित की टीम जो कि पहले हार रही थी, अब रफ्ता रफ्ता गेम पर हावी होती जा रही है। ग्रेट कमबैक। दूर से कितना आसान लगता है गेम, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि कितनी जान जोखों में डालनी पड़ती है घोड़ों को और प्लेयर्स को भी। It's a goal. And Gilgit has scored 7 and Chitral has scored 6. और मैच खत्म हो चुका है और लोग गिलगित की टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं और अपने घरों को मेरे ख्याल लौटना शुरू हो गए। तमाशाइयों ने गिलगित के खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया जो कि हीरोज बन चुके हैं इस जीत के बाद, गिलगित की टीम के कप्तान ट्रॉफी के साथ। हम लोग उसी ग्राउंड के पास खड़े हैं जहां पर गिलगित और चित्राल का भी मैच हुआ, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली हो चुका है, लोग जा रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल खत्म हो चुका है। मेजर नासिर साहब, ये जो सड़क आ रही है काफी लंबा रास्ता है चित्राल से, ये आगे कहाँ जाती है? हाँ जी, ये रास्ता यहाँ से ये शंदूर पास है, ये पास चित्राल वैली और गिलगित वैली को आपस में लिंक करता है। अच्छा। और ये दिस इज दी हाईएस्ट पॉइंट, इसके बाद फिर आपको डिसेंट स्टार्ट होता है गिलगित की तरफ से, और अगर आप वापस जाएं तो चित्राल की तरफ से आप फिर नीचे जाते हैं। अच्छा। ये सामने जो झील नजर आ रही है इसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? ये शंदूर लेक है जी, ये यहाँ पर सर्दियों में रफली 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ती है। अच्छा। वो बर्फ ये पहाड़ों से जब पिघलती है तो वो गर्मियों में इस झील की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इस झील में कोई मछली वगैरह नहीं होती है। यहाँ जो लोग आना चाहते हैं, जो अभी तक नए आए फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको आप क्या मशवरा, क्या एडवाइस दे सकते हैं? उनके लिए एडवाइस ये है कि पहले तो वो ये जरूर चेक करें कि रास्ते में उनको कहीं पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल नहीं मिलेगा। तकरीबन इस इलाके में ज्यादातर डीजल गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, तो डीजल गाड़ी में वो पहले तो आए अगर वो चित्राल से ऑनवर्ड शंदूर और इससे आगे अगर गिलगित जाना चाहते हैं। आमतौर पर यहाँ पर डीजल गाड़ियों का रिवाज है और उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, पहले तो वो इस चीज़ का चेक करें। दूसरा ये है कि वो मौसम का ज़रूर ख्याल रखें कि किस मौसम में उनको, मई से लेके सितंबर तक यहाँ पर ऐसा मौसम है कि आप लोग इधर से आ सकते हैं चित्राल से, अगर आप शुरू करें और आप शंदूर पास पे पहुंचे और फिर इससे नीचे गिलगित की तरफ आप जा सकते हैं। कोशिश करें कि 3 बजे से पहले आप लोग वो सारे नाले क्रॉस कर लें। हाँ, वो सिर्फ इस जगह पे आने के लिए, यहाँ से आगे जाने के लिए फिर आपको नाले वगैरह क्रॉस नहीं करने पड़ते। राइट। वो ट्रेन लिमिटेशन है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, तो जो नाले हैं उनके अंदर से आपको जाना पड़ता है। तो नाले जो हैं वो सारा दिन गर्मी पड़ने के वजह से, बर्फ जब पिघलती है तो वो रफली 4 बजे से 5 बजे के बाद वो टाइम होता है जिसमें ज्यादा पानी फिर उन नालों में आ जाता है, और सुबह 5-6 बजे फिर क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद से लेके फिर आप आ सकते हैं। लोग घरों को वापस लौट रहे हैं, हमें भी वापस जाना है। अगले साल ये जगह फिर आबाद होगी और उसी जोशो खरोश और रौनक के साथ। अगर आप एडवेंचरस हैं तो यहाँ जरूर आए, लेकिन जो जो टिप्स हमने आपको बताई हैं वो जहन में रखें। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम इंशाल्लाह।